वेलकम टू पंजाब बॉयस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास सेट आया 32 इंच का स्मार्ट टीवी। इसमें साउंड की प्रॉब्लम है जी। मॉडल है चाइनीज टीवी है, ये यूनिवर्सल कंपनी का कोई। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें साउंड नहीं आ रही, अगर आती है तो 10 मिनट बाद बंद हो जाती है। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो हमने टीवी ओपन कर लिया है। इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है TP.Ms358.pb818। यह स्मार्ट बोर्ड है और ये अदर स्मार्ट बोर्ड से थोड़ा छोटा बोर्ड है। फीचर अच्छे हो सकते हैं, देखते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें 4GB रैम है और 4GB इंटरनल और 512 इसकी रैम है। तो यहाँ पे इसका साउंड आईसी लगा हुआ है। ये रहा साउंड आईसी का नंबर है RDA3118E28। सबसे पहले हम इसमें दोबारा देखते हैं, कहीं बार खोलने से साउंड आ जाता है, इसमें कई बार आती नहीं है साउंड। तो हम देखते हैं पहले वोल्टेज प्रॉपर मेजरमेंट हो रहे हैं या नहीं। मैंने कहा था खोल के साउंड आ जाती है इसमें, तो मैंने इसको खोला और इसमें साउंड आ गई। अब भी जो बंद हुई थी इसमें जी, तो जैसा कि मैंने कहा था खोल के इसमें साउंड आ जाती है, तो इसमें साउंड अभी प्रॉपर आ रही है। फिर भी कई बार कट जाती है, तो हम इसके पहले वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये इसकी है मेन सप्लाई पिन। देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं। यहाँ पे अपने 12 वोल्टेज एकदम ओके आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब की। तो हम देखते हैं इसके स्पीकर के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। यहाँ पे लगाया स्पीकर के 5.3 ओके है, मतलब हाफ वोल्टेज आने चाहिए, वो भी ओके आ रहे हैं। अब हम इसकी म्यूटिंग वाली पिन पे चेक करते हैं। कई बार वो ग्राउंड की होती है और कई बार उस पर 3.3 वोल्टेज आते हैं, तो इसकी म्यूटिंग पिन पे भी 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम चेकिंग कर रहे हैं उस हिसाब से तो साउंड आईसी भी ओके दिखा रहा है। ये तो हार्दिक का जमाना है, बट फिर भी हम थोड़ी देर चला के देखते हैं। और जब भी इसमें आवाज बंद होती है तो इसमें टक टक की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो टक टक की आवाज की कंडीशन में हम ये भी सोचते हैं भाई कई बार इसकी आउटपुट की हेडफोन में भी दिक्कत आ सकती है। तो हम हेडफोन जैक में लगाएंगे तो इसकी इंटरनली आवाज बंद हो जाती है और हेडफोन में साउंड आनी शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं इसके हेडफोन में साउंड आ रही है या नहीं। तो जैसा कि मैंने चेक किया इसके हेडफोन में साउंड नहीं आ रही। तो इसके हेडफोन में साउंड नहीं आ रही, तो हम पहले सॉकेट भी चेक कर सकते हैं। बट ये सॉकेट चेक करते हैं पहले, तो या हेडफोन चेंज करके देखते हैं। कई बार ये हेडफोन सपोर्ट नहीं करता, दूसरा मॉडल का सपोर्ट करेगा। सैमसंग का हेडफोन है, या ये स्लॉट भी खराब हो सकता है हमारा। और सख्ती से उनके बीजों को सुखाकर उनकी महक निखारता है। और इस अलग सूरज की मेहनत, जैसा कि मैं देख पा रहा था अभी इसमें साउंड आनी दोबारा बंद हो गई है। तो जैक निकाल के दोबारा लगा के देखते हैं। और साउंड नहीं आई, तो हम दोबारा वोल्टेज देखते हैं इसके भी, कोई वोल्टेज मिस हुआ। बारह पॉइंट एक स्टेबल है, 5 वोल्टेज स्टेबल है, और यहाँ पे 3.3 भी चेक कर रहे थे हम, वो भी स्टेबल है। तो मैंने इसके ऑडियो आईसी पे हाथ लगाया तो ऑडियो इनपुट मिल रही है, बट आईसी हीट हो रहा है ये थोड़ा। तो सबसे पहले हम इस आईसी को चेंज करते हैं। TP358 और आप देख सकते हो मैंने इसका आईसी उतार लिया है, जो कि ये रहा। RDA3118E28। तो सबसे पहले हम इसको यहां से क्लियर करेंगे और हम इसके अंदर दूसरा आईसी लगाएंगे। मेरे पास सेम आईसी नंबर नहीं अवेलेबल है क्योंकि इस टाइम,
और हम इसके अंदर लगाएंगे ये वाला आईसी TP3110D228TG4। तो हम इसके अंदर दूसरे बोर्ड का आईसी लगाएंगे, ये किसी और कंपनी का बोर्ड है। तो हम इसके अंदर ये वाला आईसी लगाएंगे, साउंड सेक्शन में ही लगा हुआ है ये, और ये आईसी दोनों सेम होते हैं मैक्सिमम। मैंने क्योंकि एक दो बार पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, तो हम ये सेट में से आईसी निकाल के ये वाला आईसी लगाते हैं। और मैंने ये आईसी रिमूव कर लिया और हमने ये आईसी उतार लिया है। ये रहा वो आईसी जो हम इसके अंदर दोबारा लगाएंगे, TP3110D2। अब ये वाला हम आईसी उसके अंदर दोबारा इंस्टॉल करेंगे। पहले उसको प्रॉपर साफ करेंगे हम सेट को जहाँ पे आईसी लगाना है, ताकि सोल्डरिंग प्रॉपर और पेस्टिंग हो। तो हम इसको अब साफ कर लेंगे, ये प्रॉपर साफ हो गया। और हम इसके ऊपर दोबारा नया आईसी लगाएंगे। आईसी को भी हमने थोड़ा साफ कर लेना, ताकि उसमें जो पेस्टिंग लगी रहती है वो भी क्लियर हो सके। और हमने आईसी साफ कर लिया प्रॉपर, अब हम इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे। और ये हमने आईसी रख लिया है। तो ये हमारा आईसी लग चुका है प्रॉपर। तो हमने फाइनली आईसी लगा लिया है और हम इसको चला के देखेंगे। सेट स्टार्ट हो रहा है दोबारा। एंड्रॉइड, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था, स्मार्ट टीवी है तो एंड्रॉइड आएगा। और ये इसमें साउंड आनी शुरू होगी, पहले कम आ रही थी, अभी मैं इसकी साउंड दिखा क्या आ रहा है। साउंड ओके आ रहा है, एकदम सेट परफेक्टली रन हो रहा है। तो ये बोर्ड था TP.Ms358.pb818। इसमें हम RDA3118 आईसी जगह TP3110 आईसी भी यूज कर सकते हैं, जिसके साथ ये सेट परफेक्टली रनिंग भी होगा और आपकी साउंड भी आएगी सारी चीजों में। कई बंदे वो चिप लगा देते हैं, वो भी है अच्छा सिस्टम है अगर हमारे पास आईसी ना अवेलेबल हो। बट इसका कॉम्बिनेशन RDA3118 का TP3110D2 है और ये सेट हमारा परफेक्ट रन हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर न्यू वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल पंजाब बॉयज टीम ऑफिशियल। लव यू ऑल, कीप स्पॉटिंग, कीप लविंग।